रावेल बेटे जरा उनको बुलाओ अपनी चची को। कहाँ है वो? चची बगौची खाने में, मैं अभी बुला के लाऊं। बुलाओ जल्दी। ऐसा है कि दूल्हा मियां, उसके वालिद साहब, वालिदा, बहने, चारों भाई और भांजे भांजे, ये सब तो ठहरेंगे हमारे। और भतीजों का क्या होगा? उनका भी बंदोबस्त हो ही जाएगा ना। और अजीज रिश्तेदार और उनके दोस्त अहबाब? अरे उन्हीं का तो बंदोबस्त किया है मैंने। ऐसा है कि कुछ लोग तो नवाब दीन साहब की बैठक में ठहर जाएंगे, अच्छा कुछ लोग पड़ोस में, और बाकी जो बचेंगे ना वो चौधरी साहब ने कहा है कि वो उनके यहाँ ठहरते। और ये जो हमारे यहाँ बराती ठहरेंगे उनके लिए बिस्तर कहाँ से आएंगे? बिस्तर आ जाएंगे, पड़ोसियों से मांग लेंगे ना, पांच छह सात तो उन्होंने कहा है कि हमसे ले लें, तो बाकी भी इधर उधर से हो ही जाएगा। तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अल्लाह खैर करे, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा कुछ पैसे दो मुझे। अंकल आपका फोन है। अच्छा बेटे मैं अभी आया। कहा है कि उन सब के टिकट हम भेजेंगे। क्या? हाँ जी, लड़के वाले जो हुए उसके माँ बाप ने लड़का पैदा करके मारका जो मारा है। और जनाब ये भी कहा है कि वो मेहंदी से एक रोज पहले आ जाएंगे और तमाम रस्में जो हैं वो होटल में अदा होंगी। और उस और ये कि कर्ज और लेना पड़ेगा। देखना मुझे जो पैसे मिले थे वो जहेज में सर्फ हो गया और मैंने कुछ पैसे खाने के लिए बचा के रखे हुए। तुम्हारा जेवर बेचा, उससे डेक खरीदा, वीसीआर खरीदा और टेलीविजन खरीदा। शुक्र है अच्छे वक्तों का जेवर खरीदा हुआ था। रानी रानी रानी, साबिर चचा तो ऐसी मेहंदी खरीद कर लाए, ऐसी मेहंदी खरीद कर लाए हैं, लगता है इसका रंग सारी उम्र तुम्हारे इन हाथों से नहीं उतरेगा। हाय हाय, कैसे ब्लश कर रही है, दिल में तो मेहंदी का पूरा दरख्त उग पड़ा होगा। अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वजा मार दा, आजा परदेसियां वास्ते प्यार दे, आजा तन अखियां उड़ीक दियां, My name is Rambo Rambo, John Rambo. My name is Murad Murad, Shan Murad. Aniye. Shan Murad ya Malak Murad? Banwit, maine to kafiya mila hai. Jaan, Shan. Aur main koi kachi goliyan nahi khela.
मैं किसी को कच्ची गोलियां खेलने भी नहीं देता यार। वैसे तुम दोनों तो प्रोफेशनल आर्मरेस्टर लग रहे हो। कि लग रहे हैं उसे क्या मुराद बाबूजी? वो हम तो बचपन से आर्म रेसलर है। गेस्ट हाउस की नौकरी में शौकिया शौकिया करते भाई। ये तुम क्या कर रहे हो दोनों? ये गेस्ट हाउस की नौकरी हो रही है? वो सर वो इतना पसीना तुम गेस्ट हाउस के लिए बहाओ ना तो तुम्हारी रोजी हक हलाल की हो जाए। सर जी ये पसीना भी तो हम इस गेस्ट हाउस की सरजमीन पे बहा रहे हैं। ये देखें मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका हूँ ये क्या कर रहे हो? ये गेस्ट हाउस में कुश्ती का अखाड़ा बना रखा है तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है ना जी। नहीं सर वो शुक्र है जी वो कमरे खाली है ना तो इसलिए हम आराम रसलंग कर रहे थे। कमरे खाली है बिजनेस नहीं है तो तुम शुक्र अदा कर रहे हो? वो सर वो कमरे खाली है काम नहीं है इसलिए शुक्र है। तो क्या मतलब है कमरे खाली है तो इसलिए शुक्र है? मैं सर मैं मतलब समझाता हूँ। हाँ। क्योंकि कमरे खाली है तो फिर शुक्र। और फिर वही बात कमबख्त हो एक ही बात कहे चले जा रहे हो कमरे खाली है शुक्र है कमरे सर, इनका मतलब ये है जी कि चूंकि कमरे खाली है ना जी गेस्ट चूंकि नहीं है सर। देखिए ना अगर गेस्ट कमरे में होते और ये अपना इस तरह रेसलिंग कर रहे होते तो बुरी बात थी। जी जी बड़ी बुरी बात थी और आप इनकी वकालत करे चले जाइए हज़्ब मामूल। वकालत की बात नहीं है सर वो दरअसल इत्तेफाक है सर कि काफी अरसे बाद गेस्ट हाउस के सारे कमरे बिल्कुल खाली है। एक्सक्यूज मी जी अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। फरमाइए सर जी। मैंने फरमाना क्या है अर्ज करना है। ठीक है जी अगर आप अर्ज करने में आपको खुशी है तो आप अर्ज करते हैं। ऐसा है कि मुझे कमरे चाहिए। कितने कमरे सर? 10 कमरे। 10 कमरे है किस सिलसिले में जी? जी बारात ठहराना है मुझे। माफ कीजिएगा जनाब बारात को तो हम नहीं ठहराते। आपका इसमें ग्राम है? जी मेरा नाम शमीम है मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। जी शमीम साहब बात यह है कि ये मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है जनाब? ऐसा है कि देखें भले वक्तों में तो बारात आती थी तो महल्लों में बैठकों में कमरों में ठहराई जाती थी तो हमने भी सोचा कि चले ऐसा ही कर लेंगे। तो अब क्या इसमें गेस्ट हाउस में ठहरानी क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि सलमान मियाँ यानी हमारे दुल्हा मियाँ वो कहते हैं कि ये उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ है कि उनकी बारात महल्ले के कमरों में या बैठकों में ठहराई जाए। वो कहते हैं कि बारात को किसी होटल में ठहराया जाए। तो सर जी आपने उनकी ये बात मान ली है जी? बेटे वो लड़के वाले हैं और हम ठहरे लड़की वाले हमें ये बात माननी ही पड़ती है। सर जी मैं तो कभी ना मानता जी। तुम अभी लड़की वाले नहीं होना। सर फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि इन्हें कमरे दे देने चाहिए। आप ले ले जी प्लीज। जी बड़ी मेहरबानी है आपकी जी। देखिए जनाब बात यह है कि ये शादी ब्याह का मामला है और अमूमन शादी ब्याह में गंद वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। सर जी एक मिनट जी। माय नेम इज रंबो रंबो जान रंबो कॉकरोच किलर। सर जी आप फिक्र ना करें जी रंबो रंबो जान रंबो लड़की वालों का साथ देगा और अगर लड़के वालों ने गंद डाला तो रंबो रंबो जान रंबो वेपर से लड़के वालों का गंद भी साफ कर देगा जी। आयशा ये रानी का उपकरण कहाँ है? ये रहा देखो कितना अच्छा है। सच्ची ये उपकरण तो हमारी रानी को बिल्कुल सुनहरा कर देगा बिल्कुल ऐसे जैसे सोने की होती है ना चच्ची? अरे सोने जैसी ऐसी तो कोई प्लेटिनम से भी बनाए तो ना बने रानी। चच्ची जान सचमुच की रानियाँ भी तो ऐसे ही होती होंगी। और क्या लो भाई सचमुच की रानियाँ आसमान से थोड़ा ही उतरती है। तो मुबारक हो बारात को ठहराने का बंदोबस्त हो गया। कहाँ हुआ? गेस्ट हाउस में। उठे इतना बड़ा जुलूस कहाँ से आ गया? ये तो बारात मालूम होती है सलमान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आप सलमान साहब हैं जी? जी नहीं मैं सलमान का भाई हूँ। अच्छा अच्छा मुराद। यस सर। यस सर। मुराद दो नंबर कमरे में। हाँ आइए जनाब दो नंबर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी आप सलमान साहब हैं जी? अरे नहीं जनाब मैं सलमान जी दुनिया में का दूसरा भाई हूँ। दो नंबर में चले जी दो नंबर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आप सलमान साहब हैं जी? मैम इससे कुछ पूछा क्या? आप सलमान साहब हैं जी? चंदा मैं उसका बाप हूँ।
अच्छा एक नंबर। हाँ रैम्बो जी सर, इन्हें एक नंबर कमरे में लेके जाओ। अच्छा सर जी, इन्हें उधर ही बंद रखना है या बाहर भी? देखो रैम्बो, जितना काम कहा जाए उतना किया करो। अच्छा सर, अगर थोड़ा सा कटवात कर दें तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ही नहीं काम किया। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, आप सलमान साहब हैं जी? जी नहीं, मैं तो। अरे जनाब हमें ये बता दें सलमान साहब है कौन से? अरे भाई मियां आखिर है कहाँ सलमान? सलमान उसे तो मैंने देखा भी नहीं। अरे क्यों भाई, सलमान कहाँ है? अल्लाह मेरा बच्चा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। बगैर दूल्हे के बरात हुई है अभी। सर जी ये दूल्हा है अभी या खाली बराती आ गए जी दुल्हन को लेने के लिए? सलमान 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 मैं यहाँ हूँ। सलमान रखा मुझे सब लोगों ने, ये और फिर खुद ही ढूंढ रहे। तोपा तोपा, तुम लोगों ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आसान है जी, आप सलमान हैं या सलमान के बरखुरदार हैं जी? नहीं जनाब, मैं खुद सलमान साहब हूँ। थक गया हूँ मैं ये बात सुन सुनकर। ये बताइए, ये शादी आपकी है? नहीं तो और आपकी है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे बरखुरदार ऐसा हो, मैं तो एक शादी करके ही बहुत पछता रहा हूँ। सर ये आपकी शादी हो रही है जी, आप टिकट पूरा लेते हैं जी आधा? भाई जब मैं खुद खर्चता हूँ तो आधा टिकट लेता हूँ, अगर कोई और खर्चे तो पूरा। तो फिर आप ये शादी पूरी कर रहे हैं या आधी? चाची जान, आपको चाचा साबिर बुला रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ, चलो। आई देखो मेहंदी की रात है, हरी हरी मेहंदी लगाओ। आई देखो मेहंदी की रात है, हरी हरी मेहंदी लगाओ। मेहंदी लगाओ ईद खुशियों के गाओ, मेहंदी लगाओ ईद खुशियों के गाओ। हरी हरी वो आई रात है, हरी हरी मेहंदी लगाओ। आई देखो मेहंदी की रात है, हरी हरी मेहंदी लगाओ। आ गए आप? जी ये मेहंदी और लेकर आया। पहली मेहंदी तो अपने यहाँ इस्तेमाल हो गई थी ना, अब ये लड़के वालों के यहाँ भिजवानी है, जो वो खुद भी इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से हमारे यहाँ भी लेकर आएंगे। ये ले आंटी, ये उधर रख दे। ये लड़के कौन है? ये गेस्ट हाउस वालों ने हमारी मदद के लिए भेजे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आंटी मेरा नाम मुराद है जी। अल्लाह तुम्हारी मुराद। अच्छा तय ये हुआ है कि तमाम रस्में जो है गेस्ट हाउस में ही हों, उनकी तरफ की भी और हमारी तरफ की, लेकिन अखराजात जो है वो तमाम हम बर्दाश्त करेंगे। तो वो कुछ भी नहीं करेंगे? आंटी लड़के वाले ने लड़के को बंदोबस्त कर दिया, ये थोड़ा है। हाँ वो भी आधा। नहीं वो देखे ना जी, अगर लड़के का बंदोबस्त भी आप पर डाल देते तो फिर क्या होता। अच्छा जी मैं जाते थे जी, हमें जाते थे। आयशा आयशा जी, मेहंदी तैयार है? जी चाची जान। चलो फिर आओ, फिर 700 मांग ले ताकि मेहंदी लगाई जाए। ये लो लड़कियों, करो ये मेहंदी। ये क्या गजब, गजाला की माँ के हाथ में किसने मेहंदी पकड़ा दी? क्यों, इसके भैया की तो ये दूसरी शादी है। अरे फिर क्या हुआ, स्वागत तो खैर से। उठो ए, वो ये कहाँ से उठा लाया है? मौनी साहब ये लड़की वालों ने ना मेहंदी भेजी है लड़के के लिए। अच्छा भाई ये तो लड़के वाले भेजते हैं लड़की वालों के लिए। सर जी मॉडर्न जमाना है जी, अब सब कुछ लड़की वाली तो करते हैं जी। सर जी लड़का सिर्फ पैदा होता है जी और बस। भवनवीर मैं तो कहता हूँ अच्छा मौका है, तुम भी मेहंदी लगा ही लो थोड़ी सी। हाँ ये ठीक है, थोड़ी सी ये लगा ले, थोड़ी सी तुम लगा लो और थोड़ी सी रैम्बो, और तीनों एक एक घोड़े पर बैठो और दफा हो जाओ इस गेस्ट हाउस से। सर जी क्या आइडिया है जी, जान रैम्बो घोड़े पर बैठा हुआ स्लो मोशन में। टिकड़ी रोके रोके घोड़ा रोको, और जगह कोई नहीं हटो। वेट हाँ
ये सलमान साहब के कमरे में पहुंचाओ मेहंदी, इसके बाद उन्होंने रोटी भी खानी है। चलो यार नवी जी सर, ये साबिर साहब तो इंतहाई शरीफ इंसान है, उन्होंने बारात की देगों के पैसे मुझे एडवांस ही दे दिए। अच्छा जी। हाँ भाग लगे ना, सिर बोलो कोई शाह निकल के लड़ दी जाए। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, दूल्हा है। ये दूल्हे ये तेज लगता मंजे तो कोई गैलन रख गया। भला हो गए सानू रैंबो बादशाह ने भेजा है इतने ब्याह में। भला हो गए जी, लड़की वालों की तरफ से तेल और ये मेहंदी। हाँ जी। ओह, लड़की वालों की तरफ से तेल भी आ गया और मेहंदी भी। लड़के वालों की तरफ से क्या आया? बोल भी चुप क्यों है? कुछ आया हो तो बताऊँ ना। मैं बताता हूँ जी, लड़की वालों की तरफ से बरात आई है। बल्कि लड़का आया है जी। और तू रात सुता रहे, ट्रेन भी आ रही है जी। हाय मेरी शादी की मेहंदी, हाय मेरी शादी का तेल, हाय हाय हाय, ये कैसा शगुन हुआ? मेरे बेटे की मेहंदी किसी को चढ़ गई और तेल किसी को? ये आया ही तो किसी की तरफ से है ना जी। हाँ वो पोलो साहब, वो आपको लिस्ट तो मिल गई है ना, जिसमें वो मुतंजन के लिए कुलोंजी और पता नहीं क्या क्या सारा। हाँ जी, लेकिन ये ख्याल रखेगा जी कि जरा रियायती रेट हो। मस्किन से लोग हैं, बड़ी मेहरबानी है जी, थैंक यू। नवीन भाई ये बताओ कि साबिर साहब ने कितनी देगों का बंदोबस्त करने के लिए कहा है? सर उन्होंने कहा है जी कि बारात का खाना तो उनके जिम्मे है ही। हाँ, वलीमा भी उन्हीं के जिम्मे है। क्या 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 क्या, वलीमा भी? वलीमा भी लड़की के वालिद के जिम्मे? बस सर ये इंतहा होगी तो रस्मों का लेन देन खत्म होगा जी। यार मुझे लड़की के वालिद पे बहुत रहम आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है, मेरा जी चाहता है कि उनसे देखो के पैसे ना लिए जाए। और सर ये भी सुना है जी कि दूल्हा मियां हक महर भी लड़की के वालिद से बटोरने के चक्कर में है। ओ नो, इंसान इंसान इस सतह पर भी आ सकता है? जहेज वगैरह पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया ही नहीं, तुम्हें पता है कि सरकारी तौर पर मना है, कहीं छापा वापा ना पड़ जाए। मुझे मालूम है जी, मालूम है, इसका बंदोबस्त हो गया, जहेज वगैरह पहुंचा दिया गया बहुत देर से। मैं थाल उठाऊंगा, आएगा दूल्हा दुल्हन ले जाएगा, डीणी डाड़िंग डीणी डिंग डाड़ाड़िंग। अरे 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 अरे, ये क्या चक्कर है भाई? बुला के दे, बुला के दे, वही किधर रह गया? सर जी ये सारा सामान मुरादा जो है ना जी, ये अपने घर लेके जा रहा था, मैंने इसे याद कराया है कि गेस्ट हाउस में लेके जाना है। मगर ये सब है क्या सर? ये कोई जहेज का चक्कर मालूम होता है जी। है? ये सब गैर कानूनी नहीं है? ओ सर, वक्त पर छापा पड़े तो ये गैर कानूनी है ना जी, अगर छापा ही ना पड़े तो फिर कानूनी क्या और गैर कानूनी क्या। चलो रेम्बो ये पूछाए और भी थाल लेके आने, चल आ जा। और भी लेके आने, जितना भी माल होता है तुझे बड़ी नजर होती है, लेके आना। ठीक, मैं फोन करता हूँ। हेलो, SHOF डिवीजन आजकल स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, DSP साहब। सलाम अलैकुम सर। जी सर, मुझे पता सर? नहीं सर, मुझे नहीं पता जी। ठीक है सर, गेस्ट हाउस में सर? आप बेफिक्र हैं सही, वो गेस्ट हाउस के मालिक से तो मेरी वैसे भी नहीं लगती। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो मालू साहब आ गए और बारात भी वहाँ पहुँच चुकी होगी। तो चीजा हम तो एक घंटे से तैयार हैं। अच्छा बस अब जल्दी करो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। हेलो, ओहो सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, चचा जान से बात करेंगे या रानी से? अच्छा होल्ड करें।
अंकल अंकल वो बात दरअसल ये है कि हम लोगों ने ये फैसला किया है कि बारात आपके घर नहीं आएगी। नहीं, क्या खराबी क्या है अंकल? अंकल आपको पता है कि आपका मोहल्ला बहुत तंग सा मोहल्ला है, अच्छा नहीं लगता ना कि इतने स्टैंडर्ड की बारात वहाँ जाए। हाँ बेटा ये बात तो है, जो स्टैंडर्ड तुम्हारा है ना वो हमारे मोहल्ले का तो नहीं हो सकता ना। अंकल प्लीज आपने माइंड तो नहीं किया ना? नहीं बेटा मैं माइंड करने वाला कौन होता हूँ। वैसे बाय द वे इसका हल क्या है? तो फिर अंकल आप ऐसा करें कि बारात लेकर, मेरा मतलब है दुल्हन को लेकर और अपने घर वालों को लेकर सीधे गेस्ट हाउस में आ जाइए, फिर ऐसा कि हमें आसानी हो जाएगी। या अंकल ऐसा करें कि किसी 5-स्टार होटल में कमरे ले लें, हम बारात लेकर वहीं आ जाएंगे। नहीं मेरा ख्याल है कि हम गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। भाई सर 50% बेगी को दे दिए जी, और 2 बोरी चावल उसने खरीदे हैं और बाकी। जी जी शमीम बोल रहा हूं जी। जी साहब साहब क्या और कमरे चाहिए? जी सर इंतजाम तो हो जाएगा जी, बेहतर बेहतर है सर। सर साबिर साहब को और कमरे चाहिए? हाँ नवीद मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे बराती है, इनका बेटा माजूर है क्या? सर माजूर तो लड़की वाले होते हैं जी। हाँ भाई लड़के अपाहिज भी हों तो सेहतमंद कहलाते हैं, ये हमारा कल्चर है और इसे हमने ही बनाया है। हाँ सर जी इसीलिए तो फिर हमें ही भुगतना पड़ता है ना जी। वैसे मिला दे हाँ? तू भुगतने में बड़ा तेज है। जी मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसा करें इन सबको ले चलें, गाड़ियाँ तैयार हैं बिठाएं इन्हें। अच्छा आओ बच्चे चलो शाबाश। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बारात लेकर जा रहे हैं, सच मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है। हाँ बेटी लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। क्यों ना रानी को कोट पैंट पहना दें, सेहरा लगा दें। बस अब यही कल्चर बाकी रह गई है। चलो उठो चलो बेटे शाबाश। मसला ये है कि मंसूर जाफरी और यासीन शिराजी साहब की बुकिंग नहीं हो सकती, पूरा गेस्ट हाउस बुक है जी, शादी हो रही है यहाँ पे, मैं 2 दफा आपको बता चुका हूँ। अपना की ना आजकल बाऊ वहीद? नवीद, मेरा नाम शुरू से ही नवीद है जी। मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बात ये बाऊ नवीद कि नवीद और वहीद में वाव और नून का फर्क है, उतना खास को फर्क भी नहीं। देखिये जी मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि बहुत फर्क है, आप 16वें ग्रेड से 17वें ग्रेड में जा रहे हैं तो आप अलिफ बे पढ़ क्यों नहीं लेते? आपकी तालीम क्या है जी? आई एम ग्रेजुएट बीए। अच्छा बीए, वैसे अगर आप हिम्मत करके मैट्रिक भी कर लेना ये तो बहुत ठीक हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है नवीद? ओए तुम इस पक्की उम्र के आदमी को नए सिरे से कच्ची में दाखिल कराना चाहते हो? किधर तुम्हारा मालिक नहीं? मेरा
मेरा नाम नईम नहीं शमीम है जी, फरमाइए। मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं, अब जवान हो गया हूँ जी। मुझे पता है कि आप जवान हो गए, अब कोई बच्चा नहीं है। आप और थोड़े से जवान हो जाए ताकि आपको नामों के फर्क में पता चल जाए। बात यह है शमीम साहब, आप उसे उम्र में वड्डे जरूर हैं, पर मेरे को चाचे ताए नहीं लगते जो मुझे वसीते कर रहे हैं। और नसीते होता है जी, वसीते नहीं होता। जब ये मेरे हाथ से मारा जाएगा तो वसीते ही होंगी। बात यह है कि मुझे पता चला कि यहाँ कोई खैर कुनी काम हो रहा है। देखिए हमेशा की तरह फिर आपको गलत फहमी हुई है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा यहाँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड। और मैं यहाँ पे गलत फहमी नहीं, मुझे पता चला। और यहाँ से किसी ने डीएसपी साहब को फोन किया है कि यहाँ पे कोई क्राइम पेशा लोग ठहरे हुए हैं। क्राइम पेशा क्या जी, जुराइम पेशा होता है सर। अच्छा नवीद, अरे तुम मेरी अंग्रेजी को चैलेंज कर रहे हो। बात यह है कि क्राइम पेशा में लफ्ज क्राइम मैंने अंग्रेजी का यूज किया। रह गए हो ना अनपढ़ जाहिल। सर जी जब भी क्राइम की बात होती है आप गेस्ट हाउस को मुंह मारने क्यों आ जाते हैं। बात यह है बल्लो कि ये गेस्ट हाउस ही है जिसकी वजह से क्राइम पैदा हो रहे हैं। सर जी इस दफा गेस्ट हाउस में हो रही है शादी, और वो भी साबर साहब की बेटी की। अच्छा बेटी की शादी हो रही है, ती तिहाड़ी की शादी हो रही है। ओए चचुंदर, और तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई, लाल मिर्च। नहीं जी अगर आपको हम पहले बता देते तो आपने कौन सा तीर मार लेना था। कौन है जो तीर कमान चला रहा है, कानून को हाथ में लेते हो। वैसे एक बात है यार रंबो, आजकल बेटी तीतियाणियों की शादी भी तीर चलाने के बराबर ही है। वैसे एक बात है कि बेटियों की शादियों पे तोहफे शोफे लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। हाँ जी तोहफे लेने के बजाय पुलिस तोहफे देती भी है जी। हाँ अरे तुम्हारा क्या मतलब है, अब पुलिस वालों की औलाद नहीं होती। रैम्बो और मेरी भी एक छोटी सी गोल बटोल सी बेटी है। अच्छा जी। उसका नाम महक रखा हुआ मैंने। अच्छा जी। और जो मुझसे लाड करती है ना वो प्यार से किचकिले। मुझसे वो तोती जुबान में जो प्यार से तोती जुबान में दैदी कहती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और एक बात बताऊं, मुझसे रोजाना मेरी जेब में से सारे पैसे निकाल लेती है। सर आपकी जेब से पैसे निकालती है। सर ये तो बड़ा तरीकी वाकया हुआ जी। सलमान बेटे वो सुना है नीचे पुलिस का छापा पड़ गया है। छापा? ओहो भाई वो जैसे वैसे छुपा दिया है ना। ओहो अबू मैं आप ही का बेटा हूँ, पैदा तो मैं आपके बाद हुआ था लेकिन सोचता जरा आपसे पहले हूँ। शाबाश बेटे ये वही ना बात। सर जी कमरे क्या जी सारा हेलो गेस्ट हाउस काउंटर। हेलो ये सुनिए बारात आ गई जी। क्या मतलब? आई एम सॉरी मेरा मतलब है जी कि दुल्हन वाले आ गए। हाँ हाँ जी जी आ गए जी बिल्कुल आ गए। ये जरा साबिर साहब से बात करवाइए जी। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा साबिर साहब आपका फोन जी। साबिर अंकल मैं सलमान बोल रहा हूँ। हाँ बेटे क्या बात है, बहुत मीठे हो रहे हो, खैरियत है? जॉली गुड अंकल। अच्छा ये बताओ मेरे लिए अब क्या हुक्म है? अंकल वो हमने तय किया था ना कि शादी की सारी रस्में पूरी होंगी। हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन बेटा बात ये है कि इस मॉडर्न जमाने में ये तमाम रस्में पूरी करना क्या जरूरी है? अंकल आपको तो पता है रस्मों के बगैर शादी नहीं लगती। अंकल मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि मैं घोड़े पे बैठ के निकाह वाले दिन आपके कमरे में आऊंगा। हाँ बेटे मुझे याद है, मैंने इसलिए घोड़े का भी बंदोबस्त कर रखा है और गाड़ी का भी, मुझे मालूम था बेटे। अंकल आप कितने ग्रेट हैं अंकल। अंकल तो फिर हम निकाह के लिए आए। बस मैं बताता हूँ अभी।
आपने निकाह का बंदोबस्त कहाँ कर रखा है? जी वो हॉल में किया हुआ है। हाँ जी। रैम्बो फिर चले जी आंटी आइए लड़कियों गाइए वो बजाए आप बजाए वो बजाए ना जी उसी तरह आ जाए चले बैठो बेटे बैठे सर जी ये अनकाह की जगह है जी। अच्छा वो देखो गेस्ट हाउस के बाहर वो शादी वाला घोड़ा खड़ा है उसको अंदर लाना है जी। घोड़े को किस लिए जी? गुलामिया उस पर बैठ कर आएगा ना। सर जी ये सारा बंदोबस्त आप कर रहे हैं सारा खर्चा आप कर रहे हैं तो घोड़े पे बैठने का भी जो हक है ना जी वो दुल्हन साहब का। हाँ ना सर जी मैं सही कह रहा हूँ। सर आप ऐसे करें घोड़े पे दुल्हन साहबा को बिठा दें और वो जो है ना जी वो दूल्हा हाँ जी वो दूल्हा उसको हम सर डोली में फिट कर देंगे उधर बिठा दें। सर आप बेफिक्र हो जाए सारा इंतजाम होगा। नहीं वो तो सब ठीक है लेकिन तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। बेहतर साबिर साहब जो है इंतहाई शरीफ आदमी और मैं नहीं चाहता हूँ किसी किस्म की। नहीं नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आप मौलाना शायद निकाह पढ़ाने तशरीफ लाए। जी हजरत बिल्कुल ठीक फरमाया। ठीक है आइए आपको मैं लिए चलता हूँ। देखो नवीद तुम काउंटर तुम्हारे हवाले और तुमने खास ख्याल रखना है जैसे मैंने कहा। आइए 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 अबूजी कैसा लग रहा है आपका ये नौजवान बेटा? बेटा माशाल्लाह सुभानअल्लाह वाह। अबूजी क्या हाल है हम खुद ही नीचे ना चले? और नहीं बेटे साबिर मियां खुद आके तुम्हें उठा के घोड़े पे बिठाएंगे लेकिन घोड़ा तो यहाँ कमरे में आ नहीं सकता। लेकिन सर जी डोली तो इस कमरे में आ सकती है ना जी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी टिप टिप करके नीचे चले हाल में मैंने सारे बंदे जमा कर दिए निकाह का वक्त हो रहा है। हाँ ठीक है आओ बेटा आओ जल्दी आ जाओ ठीक है बस ठीक है। सर जी मैं आपको एक दफा फिर समझा देता हूँ जी। घोड़े पे बैठने का हक ना जी उस दूल्हे का नहीं है जी। सर जी हम ऐसा करते हैं उसके कमरे में ना जी डोली भेज देते हैं। रैम्बो बिलावजह में बातें मत बनाओ तुम मुराद को लेकर जाओ और घोड़ा लेकर आओ चलो। सर मैंने बता रहा था कि वो जो दूल्हा है ना जी मैंने सुन लिया है जो बता जाओ। अच्छा मैंने जो कहा जो शाबाश। मुरादे ऐसा करते हैं ना और बुराते चल बाहर से घोड़ा लेके आते हैं। चलो आप चलो। अच्छा वैसे जी बाहर गाड़ी का बंदोबस्त भी है और डोली का भी। डोली अंदर ही ठीक है भाई जब जाएंगे तो गाड़ी में बैठ जाएंगे है ना अब। हाँ बेटा ठीक है ठीक है। चल मुरादे ये घोड़ा ना मुराद हम को देख के भागी ना गया। चल चल लेके माज़िस ख़वातीन और हज़रात एक मिनट की तवज्जो चाहता हूँ। इंतजार की घड़ियां मेरे ख्याल है अब बस खत्म होने वाली हैं। बारात आ गई है और दूल्हा मियां बस आना ही चाहते हैं तो कुछ ही देर के बाद दूल्हा मियां यहाँ होंगे। इंतजार कीजिए दो मिनट। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मेरा हाथ पकड़ मेरा हाथ पकड़ आना। मैं घोड़े में बैठ के कैसा लग रहा हूँ पता क्या यहीं से तू घोड़े में बैठा हुआ दूल्हा लग रहा है। यहीं से चलते हैं तेरे गांव जीरो को ब्याह के ले आते हैं। पैसे नहीं कटे हुए वो शमीम साहब आ जाएंगे ऊपर से छोड़ जरा मेरा शौक पूरा करने दे। जैसे मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ तू पीछे बैठा घोड़े को तगड़न तगड़न नहीं चलाना मैं गिर जाऊंगा ना। नहीं नहीं अभी नीचे तरफ चलो नीचे तरफ। जी वो मैं वो अंदर लेके जाना पैदल जाओ ना नीचे तरफ। नहीं नहीं हम घोड़ा लेने आए नहीं पैदल जाओगे पैदल जाओ। नहीं वो चल तो भी नहीं ना हमेशा आ जा
अच्छा अब हम घोड़ा ले जाए, छोड़ दो, हम लेके जाएंगे ना, उन्होंने कहा ना उस तरफ से। पैदल ले जाओ, उस तरफ पैदल लेके जाओ। हाँ पैदल ले जाएंगे। अरे मैं आगे जाके बैठूंगा नहीं इस पे, पैदल रानी की माँ, मैं समझता हूँ घर की रौनक बेटियों के दम से होती है, रुखसत हो जाए तो अपने साथ सब कुछ ले जाती है। मुबारक हो अबू, घोड़ा आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है। बस बेटा आप जल्दी से इस पर बैठने की कर। अब बेटा घोड़े पे बैठने से पहले बहनों का नेक दिन ना भूलना। अरे अब मैं तो वो तो मैं भूल ही गया, पैसे लाना। अबू आप फिक्र ना करें, मैं अंकल से ले लूंगा। आराम से दूल्हा किधर गया? दूल्हा किधर गया? ये तो ये गिरा हुआ, ये नवी अपना पकड़ो। ओ ये गया, ये मैं बांधता हूँ, आप ठहरे, आप पहले चढ़े घोड़े में। दूसरा पाव रखा रही यार, क्या कर रहे? ठहरे ठहरे बुरादे, एक मिनट बुरादे। ऐसा करते हैं ना, इसको पहले ऊपर बिठाने से पहले घोड़े की आंखों पे पट्टी बांध देते। वो क्यों? वो कहीं घोड़ा ना शर्म के मारे मारी ना जाए कि ये कौन बैठ रहे। शमीम साहब समझ नहीं आ रहा ये बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। नहीं साहब जान, बारात आ चुकी है, फिक्र ना करें, बस वो लोग अंदर आने वाले हैं। देखिए आगे आगे खुशी का ये सर, इस बात में मुबारक अली साहब को बारात आ गई है जी। सर आ गई है मुबारक, ये देखिए जी आ गई। सर देखिए ऐसा करते हैं जी, दुल्हन को घोड़े पे बिठाते हैं और वाघ पकड़ाई जो है ना वो दूल्हे के भाइयों को दे देती है। क्या यही बातें सुनवाने के लिए तुमने ये शादी का ड्रामा रचाया था? साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नहीं जी आप क्यों माफी मांगते हैं जी, वो मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दें। मैं एक मिनट मौजी साहब को बुलाता हूँ, अभी काम कर। मौलाना किसी मैं लेके आता हूँ जी। मौजी साहब आप हक महर की रकम क्या होगी? मेरा वही 32 रुपए जो शरई हक महर होता है। लेकिन जावेद भाई हक महर तो मेरी बेटी की इज्जत के लिए आज के जमाने के मुताबिक लिख पा नहीं। साबिर मियां मैं तो जितना तुम कहो लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा अदा कहाँ से करेगा? जहाँ से और रस्में अदा हो रही हैं हक महर भी वहीं से अदा हो जाएगा। भाई ठीक है अबू, आप जिद क्यों करते हैं? अंकल आप लिख दीजिए 50,000 रुपए। ठीक, क्या आपकी यही ख्वाहिश थी ना अंकल? हाँ बेटा यही ख्वाहिश थी अंकल। वो जहेज में टेलीविजन VCR और डेक इम्पोर्टेड है ना? जी इम्पोर्टेड है, मैंने खुद ही खरीदे। ओ अंकल, हाँ स्वीट जी आ रहे अंकल। चले शुरू कर रहे हैं। मुबारक ही हो, मुबारक हो। मैं तो ये समझ रहा तेरी जीना के साथ शादी होगी। जहां मुरादे मेरी जब भी जीना से शादी होगी ना मैं सारी रस्में तोड़ के शादी करूंगा, और देख जितनी रस्में है ना मैं जाती अकाउंट से खुद पूरी करूंगा। चले दे देंगे आप। अच्छा ये ले, नहीं अच्छा ये क्या और लड़कियों का हाथ होता है ना, ये ले। Shall I deny?
शीशा ले ले। आया ते सजा रंग लाया लाड़िए हम देखें क्या नजर आता है। शीशा शीशा राधे हाँ वो तेरी शक्ल तो शीशे में जीरा जैसी नजर आ रही है। ओए ओए बाज आ थोड़ी देर के बाद तू भी कहीं मेरी बशीरा ना लगने लगे ना। नहीं लगता की क्या बात है जनाब। ये तो मेरा फर्ज था। अब यकीन करें दिल मेरा ये चाहता है कि आपके लिए और भी बहुत कुछ किया जाता। बारा बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा खुदा हेलो जी वेलकम गेस्ट हाउस। हाँ जी अजी सलमान साहब अजी आप इस एक मिनट होल्ड करें मैं बात करवाता हूँ। सर आपका फोन है जी। हेलो हेलो हाँ हाँ बेटे क्या हाल है खैरियत है। जी जी अंकल। रानी कैसी है बेटे। अंकल वो बात दरअसल ये है कि यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ नुकसान हो गए। क्या नुकसान हो गया बेटे मसलन। वो बड़ी बड़ी कुछ चीजें टूट गई हैं अंकल। हाँ हाँ क्या क्या टूट गया है क्या चीजें टूट गई हैं। वो कुछ अंकल विसीआर टेलीविजन डेक और
और कुछ और चीजें अंकल? फिर मेरे लिए क्या हुक्म है बेटे? अंकल आप ऐसा करें कि आपको तो पता है कि ये नई नई शादी हुई है, मरम्मत शुदा चीजें अच्छी नहीं लगती। आप ऐसा करें सारी नई चीजें भिजवा दें। और हाँ, वलीमे पर हमने बहुत से लोग बुलवा लिए, आप ऐसा करें आप अपने साथ 4 या 5 आदमी ले आए, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अच्छा बेटे, क्या हुआ? कोई और रस्म, कोई और कर्जा, बोलो ना। कुछ नहीं। सर एक बात पूछो। जी पूछो। सर ये शादी आपने कैसे तय कर दी? जी ये तो बहुत बेजोड़ महसूस होती है। बेटे असल में ये मंगनी बचपन की थी जो तोड़ी नहीं जा सकती थी। दूसरा लड़का मेरा अपना भतीजा है, मेरा अपना खून छोड़ा नहीं जा सकता। जी साहब जी, खून निचोड़ा तो जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता साहब जी।